हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम आपको सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताएंगे। अब जेनेटिक मटेरियल जो वर्ड है हमारे पास, इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने बात की थी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी लाइफ का जो बेस होता है वो एक सेल होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है? एक सेल होती है। और उस सेल के अंदर देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है सेल। किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, टोटली बॉडी भी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। इट्स मींस यू नो कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है, और वो सिंगल सेल के बेस के ऊपर अगर हम बात कर ले यहां पर एग्जांपल्स की, जैसे अमीबा, ठीक है ना। अमीबा है हमारे पास, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर द यूनिसेलुलर। इट्स मींस इसकी लाइफ जो है उस सिंगल सेल से बेस्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे हम खुद ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स के केस में भी जो लाइव पॉसिबल है वो एक सिंगल यूनिट की सहायता से पॉसिबल है। दिस वन इज कॉल्ड द सेल, ठीक है। वो सिंगल यूनिट जो डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब हैं सारी की सारी यूकैरियोटिक के बेस के ऊपर या प्रोकैरियोट्स के बेस के ऊपर। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के केस में सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, और वही लाइफ का बेस है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेस है मतलब एक तरीके से। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जिसको सेंटर ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं या ब्रेन ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन के नाम से भी बोलते हैं। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। उसपे क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई? क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर सेल टू सेल डिपेंड करता है, अगर क्रोमोसोम नंबर्स में ज्यादा है, ठीक है, रोड टाइप के हैं, नॉर्मली वे में अगर हम बात करते हैं तो रोड टाइप के हैं, उसको हम एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अगर सिंगल सर्कुलर शेप का है तो उसको हम एक तरीके से, और ओपनली है मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियाई के नाम से, इट्स मीन्स न्यूक्लियोइड्स के नाम से बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ही, मतलब इसमें ही क्या चीज प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। ये जो जीन वर्ड है, इसी जीन से जेनेटिक मटेरियल वर्ड आया है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल्स यानी इस आज का जो लेक्चर हमारे पास है उसमें जेनेटिक मटेरियल हमारे पास टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ की बात हमने की, सेल की बात की। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास वर्ड है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि जेनेटिक मटेरियल, आपको पता चला कि क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, कहां पर प्रेजेंट होता है। हालांकि इसकी प्रेजेंसी को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर टॉपिक के बेस के ऊपर हम इस बात को बताएंगे कि वेयर आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, देयर आर द टू टाइप ऑफ द, सबसे पहला क्वेश्चन हम अराइज करते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स में हमारे पास दो टाइप का है। वन इज द डीएनए, एक तो क्या है भाई? डीएनए है। सेकंड हमारे पास क्या है? आरएनए, ठीक है। एक तो डीएनए है, दूसरा क्या है? आरएनए। अब सबसे पहले हम डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म्स आपको बताते हैं। देखिए, डीएनए का मतलब क्या होता है भाई? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो वर्ड है डीएनए, यहां से आया है, ठीक है। डीएनए जो वर्ड है वो कहां से आया है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से आया है। सेकंड टर्म जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है आरएनए, तो इसको हम बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। यू नो, ये जो वर्ड मैं राइबो वर्ड बोल रहा हूं, इस राइबो का मतलब राइबो शुगर से बिलोंग करता है,
ठीक है ना, इसका किसी मतलब कहां से बिलोंग करता है, राइबोज शुगर से। तो अब राइबो की जगह राइबोज लिखेंगे तो भी गलत नहीं है आपके पास, क्योंकि आप डायरेक्टली पूरी शुगर का नाम लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर राइबो लिखते हो तो भी गलत नहीं है। तो मीन्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इट्स मीन्स डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। ये दो टाइप के जेनेटिक मेटल हैं। अब ये दोनों टाइप के जेनेटिक मेटल्स में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। देखिए डीएनए तो जेनेटिक मेटल है, इस जेनेटिक मेटल के केस में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है भाई, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम इसकी पोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी पोजिशन की बात करते हैं कि वेयर आर इट प्रेजेंट इन द सेल, पोजिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इन सेल, कोई भी सेल जो हमारे पास प्रेजेंट है उस सेल्स के अंदर। अब देखिए इस अर्थ के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है वो दो टाइप्स की सेल्स है, ठीक है, एक तो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी सेल जो हमारे पास कौन सी है भाई, यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करते हैं पोजीशन की कि वेयर आर दिस टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात अगर हम करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। यू नो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी वो जो क्रोमोसोम और फॉर्म जो प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियोइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मेटल्स भी होता है, और उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मेटल्स को हम प्लाज्मिड के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई, प्लाज्मिड के नाम से, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मेटल। जेनेटिक मेटल जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई, प्लाज्मिड के नाम से। तो प्लाज्मिड्स की फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होता है, हालांकि अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड्स, उसकी बात हम अलग अलग कर सकते हैं। अब ये तो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है भाई जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। अगर हम यूकैरियोट सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के केस में देखिए जेनेटिक मटेरियल कहां पर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में अगर जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं तो वो कहां पर प्रेजेंट होता है और किस तरीके से प्रेजेंट होता है। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर द ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यू नो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, यानी न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के साथ क्या चीज है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। इसलिए यहां पर जो भी जेनेटिक मेटल्स होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, सो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है ना, कहां पर प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ ऐसा जेनेटिक मेटल है जो प्रेजेंट होता है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलर डीएनए के नाम से बोलते हैं, ऑर्गेनेलर डीएनए, ठीक है ना, जो ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है। उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट की जगह प्लास्टिड,
प्लास्टिड्स बोल सकते हो, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में हो, वो एलुरोप्लास्ट में भी हो सकता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में भी हो सकता है, वो किसी भी पोर्शन में प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके से जेनेटिक मेटल्स की ये पोजीशन हो सकती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात अगर हम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसको हम ऑर्गेनेल डीएनए के नाम से बोलते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ही है क्योंकि उससे बाहर है। लेकिन इसके केस में प्लाज्मिड फॉर्म्स नहीं होता, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के केस में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट नहीं होता। जो क्रोमोसोमल डीएनए है या ऑर्गेनेलर डीएनए है वही डीएनए प्रेजेंट होता है। अब अगर हमें देखिए, अगर हम क्रोमोसोम की टाइप की बात करते हैं तो क्रोमोसोम की टाइप में हमारे पास दो तरीके के क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें भी सर्कुलर और इसमें भी रोड टाइप्स, ठीक है ना। दो टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं, सर्कुलर या रोड टाइप। Types of DNA on the basis of their shape, उसकी शेप के बेस के ऊपर दो टाइप का है। कौन कौन से है भाई? एक तो हमारे पास रोड शेप का है, रोड शेप का। दूसरा हमारे पास कौन सा है? सर्कुलर टाइप का है, ठीक है ना। एक तो रोड शेप का है जिसको हम सिंपली क्रोमोसोम के नाम से बोलते हैं। सिंपली किसके नाम से बोलते हैं भाई? रोड शेप का जो क्रोमोसोम है उसको हम यहां इसको डायरेक्टली हम क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम एक तरीके से न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं या प्लाज्मिड बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड मेरी बात, आप समझ रहे होंगे। प्लाज्मिड के नाम से भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सर्कुलर शेप का है। यहां पर अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हमारे पास क्या है? ये कंडीशन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये शेप है, हमारे पास ये शेप प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास प्लाज्मिड फॉर्म है, ये हमारे पास रोड शेप का जेनेटिक मेटेरियल जो प्रेजेंट है जिसको हम क्रोमोसोम के नाम से बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास, देन हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जेनेटिक मेटेरियल, ठीक है ना। जेनेटिक मेटेरियल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? जेनेटिक मेटेरियल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास क्या है भाई? कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब तीन मेन चीजें हैं। हम लिख सकते हैं व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मेटेरियल, यानी कंपोजिशन वर्ड से हम बना सकते हैं यहां पर कंपोजिशन। Composition of DNA and RNA, दोनों की अगर composition की बात करें हम तो किस टाइप का प्रेजेंट होता है DNA RNA? देखिए composition की बात करते हैं DNA RNA की तो मेन तीन चीजें प्रेजेंट होती है composition के बेस के ऊपर DNA और RNA में। और वो तीन चीजें कौन कौन सी है भाई हमारे पास है composition के केस में? देखिए सबसे पहले हम अगर composition की बात करते हैं तो उस composition में सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ सुगर। अगर हम डीएनए की बात करते हैं भाई, यहां पर हमने डीएनए लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा? आरएनए लिखा, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए के केस में जो टाइप्स ऑफ सुगर प्रेजेंट होती है उस सुगर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट होता है। डीएनए के केस में जो सुगर होती है वो भी राइबोज सुगर होती है, आरएनए के केस में जो सुगर प्रेजेंट होती है वो भी राइबोज सुगर ही होती है। बट इन केस ऑफ डीएनए सुगर इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोज। क्या बोली जाती है भाई? डीऑक्सीराइबोज सुगर के नाम से बोली जाती है। जबकि आरएनए के केस में अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? राइबोज सुगर के नाम से बोलते हैं। उसको किसके नाम से बोलते हैं भाई? राइबोज सुगर के नाम से बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट सिंपल चेंज, और एक सिंगल चेंज है उसी के बेस के ऊपर डी ऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर बन जाती हैं। अब यहां पर वो जो चेंज हमारे पास पॉसिबल है वो चेंज किस तरीके से पॉसिबल है? राइबोज जो होती है वो पेंटोज सुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। राइबोज जो होती है वो कैसी फॉर्म में है भाई? पेंटोज सुगर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उसी पेंटोज सुगर की बात हम करते हैं तो उसी पेंटोज सुगर के केस में हमारे पास क्या कंडीशन है? इसके पास किस तरीके की कंडीशंस प्रेजेंट है, क्या है उसके पास? देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
राइबोज और डीऑक्सीराइबोज सुगर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ खास डिफरेंस नहीं है, हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन और इसके बेस के ऊपर हमारे पास ये फोर नंबर कार्बन, फिफ्थ नंबर कार्बन प्रेजेंट है। तो पेंटोज शुगर की बात हम कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज जो है वो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारे पास पोजीशन है कार्बन ग्रुप की। तो ये वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर और इसको हम आगे बढ़ाए तो फाइव नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बेस के ऊपर ही हमारे पास ये शुगर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले राइबोज की बात करते हैं, देखिए यहां पर OH ग्रुप, यहां H ग्रुप, यहां H, यहां पर OH, यहां H, OH ग्रुप, यहां H, यहां CH2OH, ये ग्रुप प्रेजेंट है। वो हमारे पास कौन सी शुगर है, राइबोज, जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। इधर भी हमारे पास राइबोज शुगर ही है लेकिन इस राइबोज में डीऑक्सीराइबोज वर्ड लगा है। पहले मैं बिल्कुल राइबोज की तरह शुगर को ड्रॉ करता हूं, देखिए ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बट अगर मान लीजिए हम वर्ड की यूज करते हैं डीऑक्सी यानी विदाउट ऑक्सीजन, यानी राइबोज जो है विदाउट ऑक्सीजन एक पार्टिकुलर पोजीशन पे, राइबोज शुगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब वो कौन सी पोजीशन है, कहां पर ऑक्सीजन की कमी है। हेयर इस ग्रुप को देखिए आप, यहां पर ही ऑक्सीजन की कमी है तो यहां पर सिर्फ ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बन नंबर सेकंड जो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर सेकंड जो पोजीशन प्रेजेंट है, इन दोनों केसेस में आप देखिए यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है और हमारे पास यहां क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस है। देखिए बेटा, मैंने आरएनए और डीएनए की बात का कंपैरिजन किया है, यहां पर आरएनए क्या है और डीएनए क्या है उसके बेस के ऊपर हमने कंपैरिजन किया है। पहला कंपैरिजन कंपोजिशन पे हमारे पास आया कि पहले कंपोजिशन में हमारे पास क्या कंडीशन है, यहां पर राइबोज शुगर की पोजिशन की बात, हम ओ एच ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहां पर विदाउट ओ मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के साथ है, तो ये पहला डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हुआ जिसको हमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के नाम से बोलते हैं कंपोजिशन में। सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड हमारे पास है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है भाई। डीएनए के केस में या भाई आरएनए के केस में, इन दोनों के केस में हमने बात करनी है। तो डीएनए के केस में हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है वो मेन चार नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है। उसमें क्या है हमारे पास, देखिए दो तरीके के हैं जिसको हम बोल सकते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, यानी ये दो टाइप जो हमने लिखी हैं भाई, ये दोनों के केस में प्रेजेंट है, दोनों के केस में सेम सेम कंडीशन है। प्यूरीन क्या है, पायरिमिडीन क्या है, ठीक है ना। प्यूरीन के केस में हमारे पास एडेनिन और गवानिन प्रेजेंट है, प्यूरीन के केस में हमारे पास क्या है, प्यूरीन के केस में हमारे पास एडेनिन और गवानिन प्रेजेंट है। कौन सी है भाई, प्यूरीन के केस में एडेनिन और गवानिन, ठीक है। जबकि हमारे पास पायरिमिडीन के केस में अगर हम बात करते हैं तो पायरिमिडीन के केस में हमारे पास साइटोसिन और थायामीन, कौन कौन सी है भाई, थायामीन एंड साइटोसिन, ठीक है ना। ये दो चीजें प्रेजेंट है हमारे पास, थायामीन्स एंड साइटोसिन्स। यू नो कि अगर हम बात करते हैं आरएनए की तो आरएनए के केस में और डीएनए के केस में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। यहां पर अगर हम एडेनिन की बात करते हैं तो एडेनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, एडेनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, ग्वानिन इज आल्सो प्रेजेंट, ग्वानिन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए। अगर हम थायामीन की बात करते हैं तो इसकी जगह पर एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन होती है, That is called the uracil, ठीक है ना। आरएनए के केस में
डीएनए के कंपैरिजन में थायमिन की जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोसिन साइटोसिन जो अगर साइटोसिन की बात करते हैं तो सिमिलर फॉर्म में साइटोसिन आल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी साइटोसिन यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर डिफरेंस की बात हम करते हैं तो सिर्फ डिफरेंस क्या होता है भाई, ये थायमिन जो है जो किसमें है डीएनए के केस में, और अगर हम बात करते हैं सेकंड केस यूरेसिल इट्स प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है ना, किसके केस में है भाई, आरएनए के केस में प्रेजेंट है। अब अपर जो दो बहुत केस दो चीजें हमारे पास एडेनिन है या ग्वानिन की फॉर्म हम बात कर रहे हैं, एडेनिन या ग्वानिन बोथ आर द नाइन मेंबर रिंग्स, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, नाइन मेंबर रिंग है, नाइन मेंबर रिंग। यू नो कि कार्बन की जो रिंग्स है एक इसमें हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट है, एक पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट है, वो दोनों आपस में कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती है। अगर हम इधर से देखें तो इन दोनों के बीच में भी जो है यहां पर सिर्फ सिक्स मेंबर रिंग है, ठीक है ना, कैसी है, सिक्स मेंबर रिंग्स प्रेजेंट होती है, तो ये भी डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड कंपोजिशन में थर्ड स्ट्रक्चर जो हमारे पास वो है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, थर्ड क्या हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं तो कंपोजिशन में फॉस्फेट ग्रुप के बेस के ऊपर क्या कंडीशन प्रेजेंट है हमारे पास, देखिए और उसमें थर्ड कंपोजिशन में हमारे पास क्या है फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड में क्या है भाई हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, क्या है भाई फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है सिमिलर इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ये सिमिलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, आरएनए है चाहे डीएनए है, सिमिलर इन बोथ केसेस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है भाई, यू नो कि फॉस्फेट के पास पेंटावेलेंट फॉस्फेट जो होती है वो पेंटावेलेंट होती है, और उसकी वैलेंसी के बेस के ऊपर हमारे पास क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है। इसके केस में हमारे पास ऑक्सीजन जो रिमूव होती है जापर बॉन्डिंग के बेस के ऊपर, तो हम उसको अटैच करते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ। अगर हम डीएनए और आरएनए में देखें तो उसकी जो कंपोजिशन के केस में मोनोमर यूनिट की बात हम करें तो मोनोमर यूनिट के केस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं व्हाट आर द मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सिमिलर फॉर्म्स प्रेजेंट होती है मोनोमर यूनिट के केस में। मोनोमर यूनिट के केस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यू नो न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज होते हैं भाई, ऑल थ्री चीज उसके केस में कंबाइन होती हैं, और वो थ्री चीज कौन कौन सी है भाई, शुगर जो हमारे पास राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर आरएनए डीएनए में चेंज होगी, नाइट्रोजिनियस बेस, नाइट्रोजिनियस बेसिस जो भी है डीएनए आरएनए केस में, प्लस में फॉस्फेट, ये सारी की सारी चीजें आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है, जिसकी फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से अगर हमें सिंपली स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में शुगर, नाइट्रोजिनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी सहायता से मोनोमर यूनिट जो होती है डीएनए आरएनए की उसकी फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंपोजिशन है, हमने पोजिशन की बात की, कंपोजिशन की बात की, शेप की बात की। अब देखिए हमारे पास जनरली अगर हम डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं तो उस डिफरेंस में क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है भाई, हमने यहां पर सबसे पहले एक पहला कंपोजिशन के बेस के ऊपर डिफरेंस बताया कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, पहला डिफरेंस हमारे पास ये हुआ। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात अगर हम करते हैं तो भाई डीएनए के केस में आपने देखा नाइट्रोजिनस बेस का जो सीक्वेंस है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट है,
जबकि आरएनए के केस में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन इज रिप्लेस बाय द यूरेसिल, वहां पर यूरेसिल लग जाता है। फॉस्फेट ग्रुप सिमिलर है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, यानी डीएनए के केस में क्या होता है, डीएनए के केस में होता है इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेलवे लाइन होती है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक का एंड जो होता है 3-5 एंड होता है, दूसरे का एंड जो होता है 3-5 एंड होता है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जबकि अगर हम बात करें ये तो किस किस के केस में है भाई, डीएनए के केस में। अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के केस में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, वो ऑलवेज 5-3 की तरफ प्रेजेंट स्टडी किया जाता है। तो ये केस हमारे पास किसका है, आरएनए का केस। तो आरएनए ऑलवेज इन सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए ऑलवेज इन केस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अब आरएनए और डीएनए में और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लाइक दैट डीएनए जो होता है कैसा जेनेटिक मेटल होता है जिसके पास दो तरीके की फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसको हम नॉन कोडिंग के नाम से बोलते हैं, एक ऐसी फॉर्म जिसको हम कोडिंग के नाम से बोलते हैं। अब कोडिंग और नॉन कोडिंग का डिफरेंस क्या है भाई, भाई कोडिंग का मतलब होता है कि ऐसा जेनेटिक मेटल जिसका रोल होता है लाइफ के अंदर, नॉन कोडिंग का मतलब नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल मतलब जिसका कोई फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं है। अब उस कोडिंग और नॉन कोडिंग को हमने अलग अलग नाम दिया है। अगर हम कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन, और नॉन कोडिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोन, इंट्रोन के नाम से बोलते हैं। तो एक्सॉन और इंट्रोन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जबकि ऐसा आरएनए के केस में कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा आरएनए के केस में कुछ भी नहीं है कि आरएनए के केस में ओनली कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो आरएनए इसके केस में ओनली कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, मतलब सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ना कि इंट्रोन प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक तरीके से डिफरेंस है हमारे पास, जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि आरएनए और डीएनए के केस में मैंने अभी आपको 5 डिफरेंस के बारे में बता दिया। सबसे पहले हमने कंपोजिशन के बेस के ऊपर 2 डिफरेंस बताए, जिन डिफरेंस में मैंने आपको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का डिफरेंस बताया। सेकेंड केस हमने नाइट्रोजनस बेस का जो बेसिस है आरएनए और डीएनए में उनका डिफरेंस बताया कि आरएनए के केस में जो बेस है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के केस में थायमिन प्रेजेंट होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए के केस में हमारे पास सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको एक्सॉन के नाम से बोलते हैं, और डीएनए के केस में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि डीएनए इस अर्थ की मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट है, डीएनए इस अर्थ की मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट है और मोस्टली सेल्स में ही जेनेटिक मेटेरियल का काम करता है, बट आरएनए इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, ठीक है ना। आरएनए हर किसी सेल में प्रेजेंट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पर जेनेटिक मेटल का काम करता है, लेकिन डीएनए जिस भी सेल्स में प्रेजेंट है वहां पर वो जेनेटिक मेटल का काम करता है। इट मीन्स इस अर्थ की मोस्टली सेल्स के अंदर जेनेटिक मेटल डीएनए है, लेकिन आरएनए भी उसके साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर जेनेटिक मेटल डीएनए का ही काम होता है। लेकिन जिस सेल्स के केस में डीएनए नहीं है वहां पर आरएनए है, यानी ये कह सकते हैं कि आरएनए इज प्रेजेंट इन 100% सेल्स, डीएनए इज प्रेजेंट 95% सेल्स, बट जहां पर डीएनए है वहां जेनेटिक मेटल डीएनए है, और जिस सेल्स में आरएनए हर किसी सेल में है, लेकिन हर किसी सेल्स में वो जेनेटिक मेटल का काम नहीं करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करें, डीएनए इतनी ज्यादा सेल्स में जेनेटिक मेटल का काम क्यों करता है, बिकॉज डीएनए इज स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको डीएनए के बारे में बताया, आरएनए के बारे में बताया। तो ये था हमारे पास 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होता है डीएनए, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या डीएनए की फुल फॉर्म होती है, आरएनए क्या फुल फॉर्म होती है, कंपोजिशन में क्या है, मोनोमर यूनिट क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस लेक्चर को बड़ी ध्यान से पढ़ें, इस लेक्चर को हर क्लास के, मतलब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करता है तो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।